तबलीग जमात पर खाले अमार को ज़्यादा तरजीह देते हैं और जहाद की बात करते ही नहीं। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने की है, अगर बाद वाले ने करें तो कसूर इनका है। फजाले अमार में जो पहला बाब है वो हिदायत सहाबा का है जो जिहाद पर मुश्तमिल है। तो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने फजाले अमार को शुरू ही याद किया, अब बाद वाले ने कहा कि तो शेख साहब को कसूर नहीं है ना। फजाले अमार का पहला बाब कौन सा है? हिदायत सहाबा, वो जिहाद से भरा पड़ा है। बाद में जिहाद से शुरू करें और फिर इनकार करें, ये हमारी समझ से बाला है। खालिस तबलीग वो नहीं हो सकता जो जिहाद की मुखालफत करे, वह तबलीग में घुसा होगा और तबलीग ही नहीं होगा। खालिस तबलीग वाला वो होगा जो तबलीग करे और जिहाद की मुखालफत भी करे। श्रीराम योगी है, अंधी आदमी का गैर मुकल्लफ बने तो क्या उसका निकाह बाकी रहेगा या नहीं? देखो, गैर मुकल्लफ काफिर नहीं होते, गैर मुकल्लफ फासिक है, आले बिदत है, हम कुफर भी कहते हैं। तो बिदत ही बनने से निकाह ख़त्म नहीं होता, निकाह तो बरकरार रहता है। हाँ, अगर उसको कोशिश करनी चाहिए कि बिदती की बजाय वापस आए, और अगर पहले से गैर मुकल्लफ हो उसको अपनी बेटी देनी नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए। हाँ, अगर वो गैर मुकल्लफ हो और वो बेटी देना चाहे तो आपको नहीं देनी चाहिए, दे दे हम उसको छुपाते हैं। वो ऐसा मर जाएगा जो आपके घर में फैल जाएगा और आप उसको नहीं संभाल सकते। ये वायरस हमारे वादे करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गैर मुसलमान कह सकते हैं मैंने बताया वो काफिर नहीं है, फासिक होना और बात है, बिल्कुल होना और बात है। आप इतनी जल्दी कुफर के फतवे पर न पहुँचा करें, थोड़ा सा ना हाथ हल्का रखें। हकीम मोहम्मद मोहम्मद शरफ खारी फरमाते हैं, अगर मैं हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की बैत न करता तो मैं फतवे बास मौलवी बनता। मैं इसलिए बन गया कि मैंने हाजी साहब की बैत कर ली। तबलीग जमात पर फरमाते हैं उलमा के लिए ज़रूरी है कि सार लगाए, बिल्कुल गलत बात है। किसी तबलीग वाले आपको झूठ बताया है, बिल्कुल तबलीग वाले उलमा के लिए एक साथ को ज़रूरी करार नहीं देते। एक साथ कौन के लिए कहते हैं कि जिसने ज़िंदगी भर तबलीग ही का काम करना है वो साल लगा के तबलीग के काम को सीखे, इसमें कोई अर्थ नहीं। मैं कहता हूँ जिसने मुनाजरा करना है हमारे पास साल लगा के मुनाजरा सीखे, ये गलत बात थोड़ी है। एक आदमी सियासत करनी है वो सियासतदानों के पास रहकर सियासत सीखे, तबलीग का काम करना है तो एक साल में तबलीग का काम सीखे। हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं कहते, जो कहता है बिल्कुल गलत कहता है। अब तो रायगढ़ की तरतीब ये है कि दौरा हदीस के फौरन बाद साल नहीं है, तलब और ज़रूरत पर साल है। ये लफ्ज़ याद रखें, तलब और ज़रूरत, जब ज़रूरत हो और जब तलब महसूस हो फौरन साल। तो रायगढ़ वाले अपने फजला को भी नहीं लगाते, एक जिन में रख ले मरकज की तरतीब होती है, ये नीचे वाले गड़बड़ करते हैं और खाते मरकज से पड़ जाते हैं। मैं चूंकि हर तीन महीने बाद रायगढ़ जाता हूँ, आई साहब से मिलता हूँ, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद जमशीद, मोहम्मद एहसान, इन हजरात से हमारी मुलाकातें रहती हैं और मैं बहुत से मामला में जो मेरी गुजारिशात होती है हम पेश भी करते रहते हैं उनसे, लेकिन वो बातें जो उनसे करने वाली हैं वो आपकी मजलिस में कहने वाली तो नहीं है ना। अल्लाह हमें समझ नहीं कि जिहाद करना